हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर आप रह रहे हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो आप कैसे उसको रिन्यूअल कराएंगे, उसको रिन्यू कैसे कराएंगे, कितने दिन पहले करा सकते हैं, कुछ लोगों का जब सवाल था इस कमेंट में, तो उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोग और कमेंट किए हैं, उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वो कमेंट में जो सवाल लिखा गया है वो भी आपका ही सवाल हो, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको जो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, एक साल दो साल पहले भी आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर खुद से लेते हैं तो खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि खुद से लेने में अगर थोड़ा सा गलती हो जाता है तो वहाँ से फिर लौटा देते हैं और आपका जो टाइम होता है ना उसका खसारा हो जाता है। बेहतर ये रहेगा कि आप जहाँ पे आपका जो पासपोर्ट ऑफिस होता है, इंडियन एम्बेसी होती है जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे जाइए और उनसे पूछिए क्या करना होगा, तो वो आपको बताएँगे। पहले आपको फार्म भरा के लाना होगा और अपॉइंटमेंट लाना होगा, तो उनसे बोलिए कि यहाँ पे कहीं पे होता है या नहीं होता है जो अपॉइंटमेंट लेना है, हम खुद से नहीं ले सकते, तो बता दीजिए। वो खुद बता देंगे कि आप नीचे जाइए, जहाँ होगा वो आपको बता देंगे। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वो आपका अपॉइंटमेंट और फार्म सब पूरा भर के दे देंगे। उनका जो रेट होगा वो अलग अलग, हर जगह अलग अलग पैसा होता है, कहीं पे 50 लगता है, कहीं पे 60 लगता है, कहीं पे 40 भी लगता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेंगे खाली तो वो उसका 20 रियाल लेते हैं, और जो फार्म होता है भरने का वो 30 रियाल लेते हैं। जो मैंने कराया है सऊदी अरब के दम्माम शहर में, तो हम लोगों का जो दम्माम एक खोबर है, खोबर में होता है, जो लोग दम्माम में रह रहे हैं उनको पता होगा कि दम्माम खोबर, तो खोबर में जो ये रिन्यू कराए हैं वहीं ऑफिस है, जाके वहीं पे रिन्यू कराए हैं। उसका एक फ़ायदा है, सऊदी अरब या गल्फ में कहीं पे आप रिन्यू कराते हैं, अगर आपका पासपोर्ट जो है ACR होता है तो ACNR हो जाता है। एक ये फ़ायदा, अगर आपको 3 साल रहते हुए सऊदी अरब या गल्फ में कहीं भी हो गए हैं तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिक जो है ACR से ACNR में हो जाता है। एक ये फ़ायदा है। अगर आप यही इंडिया में कराते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ सवाल पूछते हैं, ये लाओ वो लाओ, अगर 3 साल रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, देने पर भी नहीं होता है। क्योंकि मैं एक हमारे साथ मतलब कराने वाले थे तो कराए थे, उसके साथ मैं लखनऊ में जो रतन स्क्वायर में है उसमें गया था, तो जो पासपोर्ट बन के आया वो ACR ही आया। जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिए थे वो सब चीज़ भरे, लेकिन जो पासपोर्ट बन के आया वो ACR ही आया। तो गल्फ में कराने से एक फ़ायदा है कि ACNR हो जाता है अगर 3 साल हो गए हैं आपको। तो जब हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, उनसे पूछा कि ये ACR है, ACNR हो जाएगा, कहीं ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं होता है कि ये भरना होगा, ये चीज़ करना होगा, तो हम कहा था ठीक है और क्या, वो हो जाता है। और इसमें कुछ लोगों का एक सवाल था कमेंट के ज़रिए, जो लोग पूछे हैं कि आप कितने दिन पहले करा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, साल दो साल बचा है, उसे करा सकते हैं। अगर एक्सपायर हो जाता है तब भी करा सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, बहुत लोगों भाइयों ने पूछा है कि अगर अफसर का पेपर लगता है या नहीं लगता है। कमेंट में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लोग ऐसा पूछे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए सबसे पहले, और इसमें ना तो अफसर पेपर मांगा जाता है या कुछ और नहीं मांगा जाता है। आपका पासपोर्ट का जो पुराना पासपोर्ट, मतलब जिसको रिन्यू कराएंगे वो पासपोर्ट होना चाहिए, और इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए बस, और आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वहीं जा सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं मांगा गया हमसे जो है। तो इस तरह से आप जाके वहाँ पर करवा सकते हैं। और ये कितने दिन में आता है ये भी बता दूँ, जो मैंने खोबर में कराया दम्माम में, ये हमको 17 दिन में मिल गया है पासपोर्ट। ये 17वें दिन आरामैस के ज़रिए आ गया, सारा पैसा वहीं जमा हो जाता है, और आपको कोरियर के ज़रिए जो सऊदी अरब में आरामैस है वो लाके आपके रूम पे दे जाता है। तो इस हिसाब से 17वें दिन हमको मिल गया था पासपोर्ट, और ये पासपोर्ट मेरे हाथ में ही है। मैं वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, सोचा कि मैं बना देता हूँ,
एक वीडियो मैंने बनाया था जब मैं इसको अपॉइंटमेंट जब हुआ और उसके बाद वहाँ पे मैं सारा फिंगर उंगल लगा के आया, तो वो उसके बाद बनाया था। तो बहुत दिन हो गए हैं, उस पर कुछ कमेंट आया तो मैं सोचा कि मैं फिर बना देता हूँ। तो ये पुराना पासपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं पुराना था। ये जो आया है ये नया है, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही बड़े आराम के साथ अपना रिन्यू करा सकते हैं। और आप कहीं भी होंगे, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक दिन में भी पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन सऊदी अरब में आप कहीं भी होंगे तो आपको रियाद जाना होगा, उसकी जो फ़ीस होगी वो भी ज़्यादा होगी, और उसका चार्ज जो और फीस के बाद जो यहाँ पे टैक्स वगैरह लगता है वो भी लगेगा उसी हिसाब से। तो आप एक दिन में करा सकते हैं, लेकिन आपको रियाद जाना होगा, आपको हाथों हाथ वहाँ पे घंटा दो घंटा जितना टाइम लगता है उसके बाद आपको पासपोर्ट वहीं मिल जाता है। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। उसकी फ़ीस कितनी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहीं से देख सकते हैं कि कितना फ़ीस तत्काल वाले के लगता है, जो एक दिन में ही हो जाता है। मैं अपॉइंटमेंट लिया था उससे ये पूछा था, तो ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए कॉमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।